राजस्थान के कोटा जिले में बाघ परियोजना को गहरा धक्का लगा। खबरों की माने तो कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बीमारी के कारण एक गर्भवती बाघिन की मौत हो गई, जिसके पेट में 3 शावक पल रहे थे। दरअसल 4 मई को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघिन MT4 की मौत हो गई। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि बाघिन की मौत आंतों में ब्लॉकेज और बच्चेदानी फटने से हुई। पोस्टमार्टम करने वाली टीम के डॉक्टर का कहना है कि बाघिन सदमे में थी और उसका पेट खराब होने के चलते उसे 2 बार ट्रैंकुलाइज करके उपचार किया गया। इसके अलावा टीम के डॉक्टरों ने बताया कि बाघिन गर्भवती थी और उसके पेट में 3 शावक थे, जिसका अगले 10 दिनों में जन्म होने वाला था। वहीं बाघिन का पूरे प्रोटोकॉल के साथ अंतिम संस्कार किया गया। MT4 को सीवियर कॉन्स्टिपेशन की आशंका 30 तारीख को जब वो बहुत डल दिख रही थी तो ट्रीटिंग डॉक्टर्स के दल ने प्रदर्शित की थी, जिस क्रम में हमने उच्च कार्यालय के निर्देशों के आधार पर 1 मई को उसका इलाज किया था। उस इलाज में उसके मल के 2 बड़े बड़े टुकड़े जो कि लगभग 4.5 इंच और 2.5 इंच के थे वो उसके मलाशय से निकाले गए थे, उसको एनिमा दिया गया था। उसके बाद जानवर ठीक था तो उसको रिलीज़ किया गया। दिनांक 3 तारीख मतलब कल मॉनिटरिंग टीम और संबंधित उपवन संरक्षक ने मॉनिटरिंग के दौरान रिपोर्ट किया कि उसके मल द्वार से कोई चीज़ बाहर आ रही है, जिसको कि हमने WII और वरिष्ठ पशु चिकित्सकों के माध्यम से कंसल्ट किया तो ये चीज़ समझ में आई कि रेक्टम का प्रोलैप्स हो गया है, मतलब मल द्वार से मलाशय बाहर लटक रहा है, जिसका एकमात्र उपाय जो है उसे वापस अपनी जगह पर डाल के सेट करने का होता है, जो कि हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशों के क्रम में हमने हमारे डॉक्टरों के द्वारा किया गया, जिसमें कि अरविंद माथुर साहब हैं, राजीव गर्ग जी हैं और डॉक्टर रियार्ड हैं। तो इन सभी एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने ये कार्यवाही आज सुबह की, ट्रैंकुलाइज किया उसको और उसको एनिमा लगाया, मल द्वार से मलाशय को अंदर डाला और उसके बाद उसके मलाशय से मल के 5 बड़े बड़े टुकड़े जो कि 6-6 इंच की लंबाई के हैं वो सूखे हुए निकले और उनको उन्होंने निकाला। उसके बाद एनिमल स्टेबल था और रिवाइवल इन्होंने किया। रिवाइवल के करीब 2 घंटे के उपरांत सडनली उसकी अचानक 3 बार तेज़ सांस लेने के बाद सांस बंद हो गई, जबकि उस समय वहां पर मौके पर 3 डॉक्टर साहिबान सब उपस्थित थे। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की मौत का मुद्दा उठाया। राजे ने राज्य की सत्तारूढ़ गहलोत सरकार पर कुप्रबंध का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में टाइगर MT4 की मृत्यु अत्यंत दुखद है। राज्य सरकार की संवेदनहीनता और कुप्रबंधन के कारण बाघों के संरक्षण की हमारी योजना को बड़ा झटका लगा, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा और संरक्षण को गंभीरता से लें। यहाँ टाइगर्स की सुरक्षा के नियम NTCA इंडिया द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। स्पष्ट है कि प्रशासन द्वारा प्राधिकरण के नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा सांगौर से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने भी MT4 की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण और MHTR और बाघ परियोजनाओं के लिए इसे एक बड़ा झटका बताया। आपको बता दें कि मुकुंदरा हिल्स 2013 में टाइगर रिजर्व बना, जिसके बाद वहां बाघ की आबादी बढ़ाने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन इस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ने के बजाय लगातार घटती जा रही है। एक रिपोर्ट की माने तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में पिछले 3 सालों में 10 बार बाघिनों और शावकों की मौत हो गई या वो लापता हो गए। वहीं बाघों की घटती संख्या को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई है।